जैसे कभी आप किसी से मिलते हो तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज को अगर चेक कर लो, आई रिपीट, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को चेक कर लो तो उससे आइडिया लग जाता है उसके मन में क्या चल रहा है। आप जैसे बैठते हो ना, वैसे हम जब यहाँ खड़े होते हैं, और आप किसके साथ बैठे हो, कितनी घनिष्ठता के साथ बैठे हो, कितनी आत्मीयता के साथ बैठे हो, ये यहाँ बैठे खड़े बैठे बैठे आपको हम यहाँ से देखते तो समझ में आ जाता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज बहुत सारी होती है ना। अब किसी से बात कर रहे हैं, बात करते करते आपका इंटरेस्ट नहीं हो, जैसे भाई वैसे बैठा है, हिलना मत, बिल्कुल हिलना मत, वो भाई ऐसे बैठा हुआ है, बिल्कुल, अरे यार उंगली चेंज मत करो, अभी आप ऐसे बैठे हो, मतलब पता है इसका मतलब होता है मैं एनालाइज कर रहा हूँ, टिडिंग 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 टिडिंग, ये एनालिसिस का पोज होता है। अब वो जैसे कर रहा था, अब आप ऐसे बैठे हुए हो, मतलब मैं तो सो गया सर, इतना बोर कर दिया, पका दिया आपने, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है आपके मन में क्या चल रहा है, और जिस तरह से हाथ मिलाते हैं उससे पता चलता, एक्सप्रेशन से पता चलता, आपकी उंगलियां कहाँ रखी उससे पता चलता। धीरूभाई अंबानी की उंगली फ़ोटो में देखोगे तो हमेशा यहाँ रखी हुई मिलेगी। ये क्या है, ये एनालिसिस का पोज है, और आपको बहुत मज़ा आएगा ये जानकर कि जैसे आप बैठते हो तो बैठने की मुद्रा से पता चलता है कि क्या मन में चल रहा है। मैं एक डेमो देके बताता हूँ आपको, चेयर का आनंद आएगा, जीवन में कभी काम आ जाए इस्तेमाल कर लेना आप। ये आ गई चेयर, और बढ़िया चीज़ है, चेयर आया, अब मैं चेयर पे बैठा, अब इंटरव्यू देने गए, अमित भाई ज़रा फोकस करना, इंटरव्यू देने के लिए उसको कितना मज़ा आ रहा है देख उसको, इतना ध्यान से कभी गणित नहीं पढ़ा अपन ने, AIR मार देते। अब ऐसे अपन इंटरव्यू देने गए, और इंटरव्यू देने गए बैठने का पोजीशन अपन ऐसा ऐसे बैठे हुए हैं। हाँ भैया सवाल पूछो, पूछो तुमको क्या पूछना है। तो ये कैसा बॉडी लैंग्वेज, है ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है, मतलब ये तो तुम अमिताभ बच्चन जैसा बैठे हुई हो एकदम, विजय दिनानाथ चौहान पूरा नाम ऐसा, मतलब ये हाथ ऐसा, ये ऐसे बैठता अमिताभ बच्चन कमिश्नर के सामने, पिक्चर का नाम अग्निपथ, ये ऋतिक वाली नहीं, अमिताभ बच्चन वाली पुरानी, तो कमिश्नर के सामने ऐसे बैठता है, विजय दिनानाथ चौहान पूरा नाम, पूछो क्या पूछता है। अब वो कमिश्नर को ही कुछ नहीं समझ रहा ना, ये हाथ दे कैसा कैसा पीछे जा रहा है ऐसा, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर डरी हुई बॉडी लैंग्वेज हो तो एकदम संतुलित यूँ बैठते हैं, पैर वैर चिपका के, यस सर, ओके सर, तो दो मिनट में समझ जाता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज कितना, आपके शोल्डर का मूवमेंट है, ये क्लियर हो जाता है इससे। और अगर जैसे अपन को सामने वाला इंटरव्यू ले रहा है, ध्यान रखना छोटी छोटी बात है, इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यू लेते समय सामने वाले ने कुछ पूछा और आपने हाथ बांध दिए, इसका मतलब होता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या आप इंदौर से बाहर जाएंगे, सर वैसे तो मैं सोच रहा था कि चला जाऊंगा, परंतु सर ऐसा मेरे को लग रहा है, मैं कोशिश करूंगा ना सर, कोशिश नहीं करने वाला है, तेरी बॉडी लैंग्वेज ने बोल दिया, कन्फाइंड बॉडी लैंग्वेज, हाथ बांध दिए, तो ऐसा होता है। फिर आप क्रॉस लेग कैसे करते हो, उससे भी तो पर्सनैलिटी का पता चलता है, जैसे कोई व्यक्ति बैठ, उसको कितना मजा आ रहा है देखो उसको तो ऐसे में आप अगर आप ऐसे बैठे हो, पड़ोस में कोई आपके बैठी है और उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप न चाहते हुए भी आपका ये वाला पैर इधर ही उठेगा ऐसा, और मैडम ये क्या, तो ये ऑटोमेटिक है। तो एक व्यक्ति जो बुद्धिमान होगा वो दूर खड़े होकर यहीं से देख लेगा, और अगर वो भी आप में इंटरेस्ट रखती है तो ऑटोमेटिकली उसका पैर भी ऐसे ही उठेगा ऐसा, कितना मजा आ रहा है तुमको और ये दोनों एक क्लोज्ड सर्कल बना देंगे, जिससे पता चलेगा कोई व्यक्ति दूर खड़ा है 10 फीट भी तो देर इज समथिंग बिटवीन देम, नहीं 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 वी आर जस्ट गुड फ्रेंड, वो देख लिया हमने गुड फ्रेंड की ये हमने देख लिया ऐसा ये है। अच्छा अगर कभी अपन थिएटर में जाते या कहीं पर होता और ये आर्म रेस्ट होता है, ये एक ही होता है ना, दो तो होते ही नहीं है, और पड़ोस में कोई बैठा है सूगला 4 दिन से नहाया नहीं है, तो अपना कैसा होता है, अपन वो उसने आर्म रेस्ट रखा तो अपन ऐसे साइड में ऐसे करके बैठते तो ऑटोमेटिक है, और इंक्लिनेशन है, और सुंदर युवती है बेटा, और गुच्ची का परफ्यूम मार के बैठी है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज, कितनी देर की पिक्चर छूटी मेरी, मतलब पिक्चर नहीं छूटी बेटा, वो ट्रेन नहीं छूट जाए इसलिए तू ऐसा कर रहा है।
तो देखो ऐसे आपके बॉडी पोस्चर्स, आप जो बोलते, आईब्रो के मूवमेंट्स, आँखों की पुतलियों का डायलेट हो जाना, इसलिए तो पत्ते खेलते समय गॉगल्स पहनते ताकि प्यूपिल डायलेशन से पता ना चले, नहीं तो तीन इक्या और एकदम से आँखें यूँ हो जाए तो सामने बैठने वाला जो व्यक्ति है उसको पता चल गया इसके पत्ते बहुत अच्छे हैं। या फिर टेंडर होता है, तो टेंडर होता है तो उसमें गॉगल पहन के बैठते, क्यों पहन के बैठते, क्योंकि टेंडर में अपने प्राइस फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा आया तो जैसे ही टेंडर खुला सामने वाले को पता चल गया कि अरे प्राइस कुछ अलग है। प्यूपिल का डायलेशन, हाथ कैसे रखते चेहरे पर, उसके बाद में शोल्डर कैसे ऊपर नीचे करते, फिर उसके बाद में लेग्स का मूवमेंट कैसे होता, हाथ को कैसे बांधते, अगर अपन सच्चे रहते तो अपन हाथ खुले करके बात करते, अरे सर मैंने बोला ना यार मैं था ही नहीं वहाँ पर, आप चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हो यार, मैं जब कितनी बार बोल चुका हूँ मैं था ही नहीं यार, मतलब 10 बार बोल दिया मैंने, इम्पॉसिबल है, मैं नहीं था, नहीं था मतलब नहीं था यार। वो कैमरे से चेक कर रहा है बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स कि नहीं ये बिल्कुल सही बोल रहा है। और अदरवाइज सर मैंने आपको बहुत बार बोला है सर, मैं वहाँ पर नहीं था सर, मैंने आपको 3 बार बता दिया सर, मतलब कितनी बार और बोलूँगा सर मैं कि मैं वहाँ पर नहीं था सर, मतलब मैं था ही नहीं ना सर। और उसको सब पता है, वो बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट है, वो चेक कर रहा है तुम्हारे मूवमेंट्स, हाथ के, बॉडी के, शोल्डर्स के, एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशन, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। बोलो आया समझ में? अब बिजनेसमैन बेटा कॉन्फिडेंट होगा तो ऐसे बैठता है, कॉन्फिडेंट है, बोलो भैया ऑर्डर, नीचे ऑर्डर, पेमेंट नहीं देंगे जाओ, ये हो गया। और अपने को अगर ऐसा है कि ऑर्डर चाहिए तो नहीं, अब मैं तो बैठता ही नहीं, बैठता खड़े ही रहता हूँ बेटा क्योंकि अगर अच्छा अब अपन बिजनेसमैन एक्साइटेड हुए डील में बैठे तो अपन कुर्सी को आगे होके बैठते, हाँ सर वो क्या प्रपोजल था सर, हाँ सर वो क्या बता रहे थे सर, आप वॉइस टोन भी देख रहे हो, मेलोडाउन हो गया, वॉइस टोन भी मेलोडाउन हो गया, क्या बताया सर आपने, अच्छा अच्छा ऐसा सर हो जाएगा सर, काम हो जाएगा, ये मुंडी उंडी हिलना ये तो पट से पकड़ में आ जाता है कि इसका इंटरेस्ट ज़्यादा है। और ये चेस्ट पे शोल्डर को बांधना ये तो क्लियर इंडिकेशन है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ये सब चीज़ें जब तुम सीख जाओगे एनालिसिस इतना बढ़िया कर पाओगे। अच्छा मूवमेंट जो होता है बॉडी का, जो जो स्टेप्स होती वो भी तो इंडिकेट करते, गब्बर कैसे चलता था वो पत्थरों पे, कितने आदमी थे, और देखो पैर उसके चौड़े मतलब धीरे नहीं, उसके पैर लंबे हैं उसके, 2 फुटस्टेप के बीच में कितने थे, कितने आदमी थे। अब ऐसा अच्छा वो ऐसे ऐसे छोटे छोटे करता, कितने आदमी थे, कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, मतलब कॉन्फिडेंस भी इंडिकेट कर रहा है आपके मूवमेंट में, वॉइस मॉड्यूलेशन में, और आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आईज में, फेस में, एक्सप्रेशंस में, बॉय में, शोल्डर्स में। अपन कितनी बार यूज़ करते हैं तुमको पता है क्या, नहीं पता, तो ऑटोमेटिक ये नेचुरल आ रहा है, तो उसने पकड़ लिया कि हाँ इसको एक्चुअली में नहीं पता है। तो ऐसी ये छोटी 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 चीज़ें बेटा जिससे हम एनालिसिस कर सकते हैं और अपने को एक्चुअली भी लाइफ में ये सब काम आता है।